हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि हम कुशन कवर का सेट लेके आते हैं। कुशन कवर का जैसे हम दीवान सेट है, इसका ये कवर का सेट मैं लेके आई, पूरी बेडशीट समेत ये लेके आई हूँ। लेकिन इसमें अंदर डालने के लिए कुशन चाहिए, तो कुशन चाहिए। हम कुशन लेने के लिए मार्केट में जाते हैं तो कोई 700 मांगता है, कोई 500 मांगता है, इतने उसका कुशन कवर का मांगते हैं। उसमें पता भी नहीं चलता है अंदर फाइबर है, एक वैसी उसने रुई डाल रखा है। लेकिन मैं आपको देखो घर में ये कुशन बनाना बता रही हूँ। जैसे कि हम इसका अंदर का डालेंगे, इसमें अंदर डालेंगे तो कुशन तो सब में ही चाहिए। हम हाथ से कुशन बनाते हैं, उसके लिए भी अंदर कुशन का सेट होएगा हमारे पास, तभी तो हम मतलब ऊपर कवर लगाएंगे इसमें। तो देखिए, ये कपड़ा ले लिया मैंने, कपड़ा ले लिया और ये बेडशीट के साथ जैसे कुशन कवर आया था चौकोर वाला, ये कुशन कवर इस पे ऐसे बिछा के इस पे मार्क करके हम ये घर में ही बना सकते हैं। घर में क्योंकि हमें पता तो रहेगा कि इसमें फाइबर ही है, और बाहर से हम लेके आते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन उसमें कभी काली ब्लैक कलर की भी एक रुई आती है, वो भी रुई घसो देते हैं, पैसे ले लेते हैं फाइबर रुई का। तो इससे अच्छे हम घर में ही बना सकते हैं। ये देखो मैंने मार्क कर लिया, मार्क करके और ये कटिंग करके, और घर में ही हम कुशन कवर बना सकते हैं। रख के एक कुशन रख के मैंने मार्क कर लिया, अब जितना ये कुशन के अंदर आएगा उतना ही मैं इसको कट कर लूंगी। अभी देखिए कट कर लिया, अभी इसको मैं उल्टा करके सिल के और एक कुशन इसमें फाइबर रुई घर पे ही लाके मैं इसमें डाल दूंगी, अंदर डाल के सिलाई कर दूंगी। और सिलाई करने के बाद में फिर ये कभी भी खराब नहीं होएंगे। अगर मार्केट से लाते हैं तो फिर वो लेके भी आ जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा दिन में खराब हो जाते हैं, पिचक जाते हैं। लेकिन हम इसमें फाइबर ओरिजिनल रुई लाके डालेंगे तो ये कभी खराब नहीं होएंगे। अभी देखिए उल्टा था, ये सीधा था, अभी उल्टा करके मैं इसके ऊपर सिलाई मार दूंगी। ऐसे सिलाई मार के एक इधर मारूंगी और एक इधर मारूंगी। मारने के बाद ये मुंह खुला छोड़ दूंगी, खुला छोड़ के इसमें फाइबर लाके डालूंगी। अभी देखिए मैंने एक कुशन काट लिया, ये जो कुशन कवर लिया था मैंने, ये वाला कुशन कवर लिया था, इसको रख के मैंने एक काट लिया। अब इसी का नाप का रख रख के मैं पांच काट लूंगी, और पांच काटने के बाद में फिर उसमें फाइबर रुई लाके, अगर हम पांच कुशन बना रहे हैं उसमें 2 या 2.5 किलो रुई से पांच कुशन कवर में बहुत रहेगी वो। अभी देखिए मैं ऐसे ही इसको रख रख के और पूरा कुशन कवर कट कर लूंगी। कट करने के बाद मैं सिलाई करके और इसमें कैसे रुई डाल के सिलूंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हमें फिर बार 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 कुशन कवर लाना नहीं पड़ेंगे, एक बार हम बना लेंगे घर पे ही लाके तो उसकी ऐसे निशा हो जाएगी परमानेंट हमारे पास, वो अच्छे रहेंगे, वो जल्दी से खराब नहीं होंगे। अभी देखिए मैंने 2 कुशन कवर कट कर लिया, ऐसे ही रख रख के पूरा मैं कुशन कवर कट कर लूंगी। कट करके और सिलाई करूंगी, वो भी बताऊंगी मैं आपको, रुई डालूंगी वो भी बताऊंगी। अभी देखिए फ्रेंड, इसको हम ऐसे सिलाई कर लेंगे, एक तरफ से तो इसका मुंह बंद ही है, इसको तो ये बंद ही रखना है, और ये दो तरफ से तीन तरफ से खुला है, दो तरफ से सिल देना है इसको। और एक तरफ से जैसे खुला रहेगा उसको मैं रुई डाल के और फिर खुला, रुई डाल के फिर उसमें सिलना बताऊंगी कैसे सिलते हैं। अभी देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने ये काटा था और उसको नेप नेप के काटा था, कट किया था, तो उसको मैं सिलाई करके तैयार कर दिया। देखो कितनी अच्छी शेप आई है सिलने के बाद में चौकोर। और थोड़ा सा इसमें मैंने ये मुंह इसमें छोड़ दिया ऐसे, इसमें फिर मैं रुई डाल के फाइबर रुई लेके आऊंगी
और इसमें रुई डाल के और फिर इसको मैं मुंह सिल दूंगी तो चौकोर मतलब अच्छे कुशन बन जाएंगे ये। फिर हमें टेंशन नहीं रहेगी खराब हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि मैं पहली भी दो जोड़ी ला चुकी हूँ, दोनों ही वो से लेके आती हूँ और वो खराब हो जाते हैं। देखो मैंने बना के अभी रुई डालना और बताऊंगी मैं आपको रुई कैसे डलती है इसमें, और रुई डाल के पूरा तैयार करके फिर बताती हूँ। अगर फ्रेंड आपने मेरी वीडियो को भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अभी देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि ये कुशन कवर घर पे बना रही हूँ चौकोर वाला, मैं इसको सिल के तैयार कर दी, पूरा सिल के मैंने तैयार कर दी। कितना सा इसका मुंह बाकी रख दिया मैंने, इतना सा मुंह बाकी रख दिया इसमें रुई डालने के लिए। इसमें रुई कौन सी डलती है वो बताती हूँ मैं भी, कौन सी रुई डलती है इसमें। ये फाइबर रुई ली है मैंने, ये फाइबर रुई आती है, ये कभी भी खराब नहीं होती। ये देखना इसको ऐसे कर करके और चौकोर जैसे बनाना मैं बता दी, सिलना काटना ये बता चुकी मैं आपको। और देखना ये मुँह जैसे कितना मैंने मुँह रखा है इसमें, इसको ऐसे नहीं भरना है डायरेक्ट, इसको ऐसे करना है ऐसे फुला फुला के, और फिर थोड़ी थोड़ी लेके इसमें से ये ऐसे डाल देना है। ये कुशन कभी भी खराब नहीं होएंगे। अभी देखिए रुई डाल के मैं तैयार कर दी, देखो रुई डालने के बाद में कितना हल्का फुल्का हो गया बिल्कुल ये। और जैसे कि मुंह बचा है, पहले तो मैंने मशीन से सिलाई करी इसकी, और अभी इसका करना क्या है, हम सुई धागा लेंगे और इसका थोड़ा सा इधर से सिलाई मार देंगे ऐसे ही। सिलाई मारने के बाद में मेरा ये कुशन तैयार हो गया। इसके ऊपर कवर चढ़ाना, कुछ भी चढ़ाना, जैसे कि हम बनाते हैं मोती वाला चौकोर कुशन, जैसे कि हम रेडीमेड लेके आते हैं, वो कोई भी कवर इस पे डाल सकते हैं। ये बनाया मैंने अंदर वाला, लेकिन अब इसमें ये टेंशन नहीं रहेगी कि भाई ये खराब हो रहा है, इसमें वजन है और फाइबर रुई डलती है। इसमें कौन सी, जैसे कि हम टेडी बियर में डालते हैं वो रुई डलती है। ये देखिए मेरा कुशन बन के हल्का फुल्का है बिल्कुल, देखना बन के तैयार हो गया। और अब इसका मैं इसका मुंह सिल दूंगी। अभी देखिए ये मुंह सिलना बता देती हूँ मैं, मुंह कैसे सिलता है। ये बारीक वाला सुई धागा ले लिया मैंने, और इससे ऐसे इसका इतना ही मुंह खुला रखना है कि इसमें बस रुई डल जाए, और रुई डलने के बाद में ये तो अंदर ही तो रहेंगे। बस अभी पता भी नहीं चलेगा कहीं से, मेरा कुछ बन के तैयार हो गया। अभी देखिए फ्रेंड मेरा ये बन के तैयार हो गया, देखना ये बनने के बाद में कितने हल्का फुल्का कितना सुंदर लग रहा है। और मैंने जैसे कि मेरे चैनल पे आप जाके देखना, मोती वाला कुशन की एक वीडियो अपलोड कर रखी है, वो मोती वाला कुशन कवर तो बना लिया था, लेकिन ये नीचे वाला कुशन मेरा मतलब लाती थी खराब हो जाते थे। अभी मैंने घर में ही बना लिया ये, और इसमें डाल के मैं ये पीछे से इसमें डाल दूंगी। डालने के बाद में कितना सुंदर लगता है, अब मुझे ये टेंशन नहीं रहेगी मेरा कुशन खराब हो रहे हैं। बच्चे भी मस्ती करते हैं बहुत, लेकिन अभी इससे खराब नहीं होएंगे, क्योंकि मैं इसमें अच्छी वाली फाइबर रुई लाके घर में ही कुशन बना दिया। और ऐसे ऐसे इसको कैसे भी कर सकते हैं हम, खराब नहीं होएंगे बिल्कुल भी। येलो वाला पिंक वाला बनाया था, एक येलो वाला बनाया था, और एक ये रेडीमेड मैंने, देखो ये रेडीमेड में डाल दिया। ये कैसे में भी यूज कर सकते हैं हम, जैसे एक कब्र उतारेंगे दूसरा डाल देंगे। और ये देखना बनने के बाद में कितना सुंदर लग रहा है। अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और समझने में प्रॉब्लम है फिर भी कुछ तो कमेंट्स करें।